ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति अनिष्टति। तो आज की भागवतम क्लास में सभी का स्वागत है और आज जो हम करने जा रहे हैं दो शुरू करने जा रहे हैं 32 और 33 तीसरे स्कंध का सातवें अध्याय का 32वां और 33वां श्लोक। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तेन तु विरोधतः वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधि पृथकः। दूसरा श्लोक श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मा पितृणां सकृमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां काल अव्ययम् स्थितम्। धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तानि अविरोधतः वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं तथा। धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तानि अविरोधतः वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं तथा। धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तान्य विरोधः धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तान्य विरोधतः निमित्तान्य विरोधतः ग्रहक्षत्रताराणां श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्म पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालाव्ययं स्थितम्। अनुवाद: आप धर्म आर्थिक विकास इंद्र तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लेखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधान पितृलोक की सृष्टि ग्रह नक्षत्र और तारकों का काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बताएं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा दिन रात तथा मास वर्ष की अवधियां विभिन्न ग्रहों नक्षत्रों तथा तारकों में भिन्न भिन्न हैं। चंद्रमा तथा शुक्र जैसे उच्चतर ग्रहों में काल की प्राम पृथ्वी
पृथ्वी के अपेक्षा भिन्न है कहा जाता है। किस पृथ्वी ग्रह के 6 मास उष्ट्र ग्रहों का 1 दिन के तुल्य है? भगवत गीता में ब्रह्मलोक का 1 दिन चतुर्युग का 1000 गुना वर्षों के तुल्य है, अर्थात 43 लाख वर्षों का 1000 गुना वर्ष। ब्रह्मलोक में मास का दिन उसी के अनुसार परिमाणित होते हैं। ओम अज्ञान विनिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंपदाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सैकं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगीश राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी काश्यप देशतारिणी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं चक्रपातं हं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आज विदुर जी मैत्री मुनि से 2 प्रश्न और पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न क्या है कि हम सबको पता है कि एक मनुष्य के जीवन में 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर जाते 4 द्वार हैं, 4 द्वार किसके हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये 4 चीजें एक मनुष्य जीवन की सारी चीजों को संतुलित करती है, मगर आज समस्या ये है कि सिर्फ लोग अर्थ और काम के पीछे चल रहे हैं, धर्म और मोक्ष को छोड़ दिया है, उसकी वजह से संतुलन बिगड़ गया। नहीं तो संतुलन किस तरह से बनती है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो वो पूछ रहे हैं इन प्रश्न में कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये परस्पर विरोधी कारण और उसके साथ जीविका के विभिन्न साधनों विधि विधान विधियों तथा शास्त्रों में उल्लेखित व्यवस्थाओं का काफी वर्णन करें। वो चाह रहे हैं कि हमारे को सबको समझ में आए कि कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष और जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उनमें संतुलन बनाया जाए। कैसे संतुलन बनेगा? क्योंकि अगर हम अर्थ के पीछे चलते हैं, अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब पैसा। हमारी किसी भी प्रोजेक्ट की किसी भी चीज की सफलता किससे मानी जाती है? कि हमने कितना उसमें कमाया, अर्थ। अर्थ फिर दूसरा क्या है? काम, इंद्रवृत्ति। कुछ ना कुछ परसेंटेज हर जीव को इंद्रवृत्ति चाहिए। ऐसा नहीं है कि कान नाक आंख मुंह हम बिल्कुल बंद करके रह सकते हैं। जैसे प्रभुपाद भी कहते हैं कि ब्रह्मचारियों को भी एक इंद्रवृत्ति अलाउड है, वो क्या है? अच्छा प्रसाद।
भी एक नृत्य अलाउड है, अच्छा प्रसाद वो पा सकते हैं, बाकी सब पे कंट्रोल रखें। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक नृत्य भी चाहिए, हम बिल्कुल उनको खत्म नहीं कर सकते। अब जहां पर हम व्यवसाय में आते हैं, मतलब अर्थ और कहीं ना कहीं टू एक्सटेंड भक्ति में होने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी वृत्ति है, तो उसमें धर्म और मोक्ष भी छूट जाता है। अब व्यवसाय के साथ धर्म और मोक्ष किस तरह से बैलेंस करें, तो विदुर जी पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद ने श्लोक कोई परपट नहीं दिया, कोई तात्पर्य नहीं दिया, वो इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि जब मैत्री मुनि जवाब दें तभी हम इस चीज को दोबारा से सामने लाए। तो पहले सिर्फ आज प्रश्न समझ रहे हैं, प्रश्न हम सबका प्रश्न है, क्योंकि हम सब भक्त जब भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, मतलब धर्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और मोक्ष की कामना करने लगते हैं, तो कभी कभी हमारे ये जो अर्थ है और जो काम है ये हमारे सामने आता है, जब हम अर्थ और काम की तरफ चलने लगते हैं तो धर्म मोक्ष हो जाता है, ये चीज हमारे संतुलन में नहीं आ रही है। वही चीज मैत्री मुनि यहाँ सॉरी विदुर जी मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ने पूछा कि श्राद्धस्य च विधे, श्राद्धस्य च विधे, जो हमारे पितरों का श्राद्ध है उसकी विधि भी बताएं, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद हमारी ड्यूटी इसकी तो है, और उसमें हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे जो पूर्वज हैं वो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ चले, उनकी भी मोक्ष की कामना की तरफ हम चले। कहते हैं घर में भक्त आ जाते हैं, किस पीढ़ी तक जाती है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि ये जो श्राद्ध के विधि है वो भी हमें समझाएं। फिर वो बोल रहे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मण, पितृनाम सक्रम एव, पितृनाम सक्रम एव मतलब जो पूर्वजों के श्राद्ध है वो सारा कैसे किया जाए। ग्रह नक्षत्र तारा नाम काल अवयम संतम, और ये भी बताएं कि कैसे ये ग्रह नक्षत्र और तारों को तारों की स्थिति कैसे बनती है, और वो उनकी स्थितियों के बारे में भी हमें को जानकारी दे। तो ये जो दोनों प्रश्न ने पूछे आज, प्रभुपाद यहां पर कुछ ग्रहों की और ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन कर रहे हैं इस तात्पर्य में। तो वैसे तो हम लोग इतनी भागवत पढ़ चुके हैं तो ये हमें अच्छे से क्लियर है, मगर फिर भी आज क्योंकि इसके जो प्रश्नों का जवाब आना है वो मैत्री मुनि बहुत ही सुंदर ढंग से आगे श्लोकों में देने वाले हैं, तो जो भी आगे के प्रवक्ता आएंगे वो सब इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझाएंगे, तो आज इनका आंसर देने की जरूरत नहीं है हमारे को। तो मैंने सोचा कि चलो आज ग्रहों की जो हमारे सारे के सारे लोग हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी विस्तृत में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप सबको जानकारी तो है ही और थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो हम सबको पता है वैसे ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी दर्शाने की, भगवान की सृष्टि को, भगवान की इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को एक पेंटिंग के थ्रू उतारना बहुत संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर भी जिसने प्रयास किया बहुत ही सुंदर प्रयास किया है कि हम जैसे मूढ़ लोग जो सिर्फ आंखों के ऊपर बेस करके ही समझते हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए कुछ है ना इमेजिन करने के लिए, कुछ चीजों को समझने के लिए हो जाए। तो जैसे हम सबको पता है कि कभी कभी हम बोलते हैं कि आप तीनों लोगों के स्वामी,
कभी कभी वर्णन आता है कि आप तीन लोगों के स्वामी, और कभी कभी वर्णन आता है चौदह लोग होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी तो तीन लोग बोल रहे हैं, कभी चौदह लोग बोल रहे हैं, चक्र क्या है। तो एक्चुअली सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये सारे के सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। या चौदह तरह के प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, मतलब कुछ ऊपर के लोग जिनको हम स्वर्ग लोग आदि बोलते हैं, कुछ नीचे के लोग जिनको हम नर्क लोग आदि बोलते हैं। वैसे नर्क अलग होता है, बट फिर भी लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स। और तीसरा जो पृथ्वी के जैसे प्लैनेटरी सिस्टम है। एक बात हम भक्तों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं कि दूसरे ग्रहों पे लाइफ है कि नहीं है, वहां पे जीव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, सर्वगता, वो हर जगह है। हर ग्रह जो भगवान का निर्मित है, वो खंडर बनाने के लिए, इसे भूमि के लिए नहीं बनाया गया। सब ग्रहों की अलग 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 तरह की, जीव अलग अलग तरह के। जब इंसान किसी एलियन को इमेजिन करता है तो क्या सोचता है, चलो इंसान की शक्ल बिगाड़ लेते हैं, उसका सर बड़ा कर देंगे, उसके हाथ छोटे कर देंगे, है ना, उसकी आंखें ऐसे गोल गोल कर देंगे। या किसी जानवर की ही शक्ल बिगाड़ कर सोचता है कि ऐसा होगा एलियन। तो हमारी इमेजिनेशन भी इतनी कुंठित है। मतलब एक इंसान जब किसी एलियन को इमेजिन करता है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी कैसे होते होंगे, तो हमारी इमेजिनेशन इतनी कुंठित है कि हम सिर्फ जो अपने आसपास जीव देखते हैं या जो इंसान देखते हैं, उन्हीं के अंदर कुछ तोड़ मरोड़ने की कोशिश करते हैं। वो सोच नहीं पाता कि भगवान ने जो जीव बनाए हैं वो ग्रह के अनुसार बनाए हैं। जैसे इस भूलोक में सबसे ज्यादा क्या है, वाटर मतलब पानी, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, भूमि। तो हमारे शरीर में क्या है, दूसरे नंबर पे भूमि, केमिकल्स। ऐसे ही हमारी जो बॉडी बनाई गई है वो इस भूलोक के लिए बनाई गई है। अब जो सूर्य लोक में जीव बसते हैं उनकी बॉडी कैसे होगी, पांच एलिमेंट की होगी, बट उसमें प्रमुखता किसकी होगी, फायर। हमारी बॉडी में फायर है, बिल्कुल है, देखिए ना 98.6 चलता ना, टेम्परेचर है ना गर्म, जिसका ठंडा होने लग गया तो अग्नि है, बिल्कुल है, मगर लिमिटेड है। बट वहां पर जो जीव है उनकी जो बॉडी है वो प्राथमिक किससे बनी है, अग्नि से बनी है। तो ऐसे बहुत सारे, अब वो नहीं सोच पाते कि अच्छा हम बोलते हैं ईथर, मतलब कि आकाश, बोले आकाश की भी बॉडी हो सकती है क्या, है ना, आकाश की भी बॉडी हो सकती है। तो भगवान ने जो सृष्टि की है वो इस इंसान की बस की नहीं है इमेजिन करना। हम इंसानों की हालत तो ये है, साइंटिस्ट की और इंसानों की सबकी हालत तो ये है। छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ कि मान लीजिए एक 5000 फ्लोर की बिल्डिंग है, 5000 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसके हर फ्लोर पर 5000 कमरे हैं और सारे कमरे अलग अलग आर्किटेक्ट ने अलग 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 तरीके से बनाए हैं। उस मतलब आर्किटेक्ट ने अलग अलग तरीके से बनाए, इंटायरली बिल्कुल अलग तरीके से बनाया हर कमरा। और उस बिल्डिंग में सबसे अच्छी बात क्या है, लिफ्ट भी नहीं है। अब आपको कहा जाए कि जाओ और इस बिल्डिंग की सारे अंदर की जा करके पूरा नोट डाउन करके लाने कहां पे क्या है, तो आप कितने कमरे को खोल करके उसको पूरा स्टडी कर लेंगे अपने जीवन काल में। और एक कमरा पूरा ऐसा नहीं कि जैसे आजकल के आर्किटेक्ट बनाते हैं, एक डंडा यहां लगाया, एक डंडा यहां लगाया, हो गया इंटीरियर खत्म। पूरा डीप इंटीरियर, एटॉमिक लेवल तक का इंटीरियर बिल्कुल परफेक्ट है, सारा स्टडी करके आना है। एक जीवन काल में आप कितने ऐसे कमरे स्टडी कर लोगे, 20, 50, 100, 200, 500। अगर टॉपिक जाएंगे तो एक कमरा भी नहीं होगा, मगर चलो ठीक है, ऊपर ऊपर भी कर ले। और ऐसे हमको सारे
के बिल्डिंग का मुआयना करना हो और पूरा स्टडी करके लाना हो, पॉसिबल है? नहीं। और हम चाहते हैं कि हम सृष्टि की को कंट्रोल में ले आए उसको समझ करके। तो भगवान के जितने ग्रह हैं वो ग्रह 14 तरह के प्लैनेटरी सिस्टम्स में डिवाइडेड है। तो ये प्लैनेटरी सिस्टम्स कौन से हैं? ये रहे, है ना, ये बीच वाला क्या है? भूमि। इसके नीचे क्या था? तल विदल सुतल तलातल महातल रसातल पताल। और इसके ऊपर क्या आते हैं? भू भुआ स्व। भू भुआ स्व करते ना, तो भू भुआ स्व स्वर्ग लोक है ना, महर लोक जन लोक तप लोक सत्य लोक। तो इस तरह से हमारे छह श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो ऐसे सात लोग नीचे, छह लोग ऊपर और एक भूलोक, तो कुल मिला के कितने हुए? 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं और इन सबके जो अलग अलग तरह के प्राणी हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे स्वर्ग लोक में कौन रहते हैं? देवी देवता, है ना। और भूवर लोक में कौन रहते हैं? गोस्ट, भूत, है ना। भूवर लोक उसके ऊपर ऊपर ऊपर। अब ऊपर और नीचे में क्या है? प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा नहीं कि नीचे वाले लोगों में कष्ट बढ़ जाएगा, ना ना ना, ऊपर और नीचे के लोगों में खूब लग्जरीज है। नीचे के लोगों में लग्जरीज है। और लग्जरीज कैसी है? जैसे स्विट्जरलैंड में है, नीचे वाले लोगों में, नीचे वाले लोगों में खूब लग्जरीज है। मगर नीचे वाले लोगों में भक्ति करने का कोई चांस नहीं है। वहां पर जैसे टाइम है, ऊपर जाते जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, नीचे जाते जाएंगे तो टाइम घटता जाएगा। अभी टाइम बढ़ने और घटने का नहीं समझ में आया। देखिए शास्त्र कह रहे हैं और हमारी क्लास में बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जब हम लाइट की स्पीड से चलते हैं तो टाइम श्रिंक हो जाता है ना। तो इसको अगर टाइम दो चीजों का अलग अलग हो जाएगा, और यहां पर जो डिस्टेंस है वो लाइट की स्पीड है, उससे भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो यहां पर सबके जो टाइम फैक्टर्स है वो अलग 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 है। जैसे कि ब्रह्मा जी का क्या बताया जाता है कि ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। अरे हमारी तो 100 साल जीते हैं, हम तो 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, मगर उनका जो 100 साल है वो बहुत अलग है। वो कैसे अलग है? ये जो समय चल रहा है वो चल रहा है कलयुग, और कलयुग होता है 4,32,000 साल, और द्वापर इंटू 2 8,64,000, और त्रेता इंटू 3, और सत्युग इंटू 4। 4-3-2-1 का रेशियो है। 4-3-2-1 मतलब इंटू 10 हो गया पूरा। एक चतुर्युग पूरा क्या जाएगा? 43,20,000 years। तो एक चतुर्युग सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4,30,000। और उसके सामने हमारी आयु कितनी है? 43,20,000 years के सामने हमारी आयु कितनी है? 67 कुछ है ही नहीं। माइनस करने लगेंगे अगर हम उसमें से, क्योंकि मेरी हम सब बहुत ना बड़ा प्राउड होता है, अरे मैं मेरी अचीवमेंट आपको पता नहीं है, तो वो कितनी आयु है? 60-70-100 साल। और 100 साल 43,20,000 में से माइनस करें तो वो फ्रैक्शन में दिखेगा भाई, वो 1999 उसमें चला जाएगा। ये तो सिर्फ एक चतुर्युग है, और जब ऐसे हजार चतुर्युग घूमते हैं, एग्जैक्टली बोलो तो हजार नहीं, एग्जैक्ट 994 है, क्योंकि 71 मन्वंतर है और 14 मन्वंतर आते हैं। हजार ही है, तो एक मन्वंतर का वो वेरिएशन होता है। एक वेरिएशन होता है, ओके वो हजार ही। ओके
इंटू हजार तो 43,20,000 इंटू 1,000 तो सिर्फ ब्रह्मा जी का एक दिन है, 12 घंटे, एक दिन नहीं है 12 घंटे है, 12 घंटे। और ऐसे ही 12 घंटे की रात है, 10 to 2 हो गया, तो वो मिलाकर तो ब्रह्मा जी का एक दिन है। और ऐसे ही फिर उनका एक वर्ष 360 दिन माना जाता है, उनका वर्ष 360 दिन मतलब 36,000 दिन ऐसे होंगे। और ऐसे वो 100 साल जीते। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प, क्या कहते हैं कल्प। और एक कल्प में कितने मनमंत्र होते हैं? 14 मनमंत्र होते हैं। मनमंत्र मतलब मनु का जो राज्य है, तो 14 मनमंत्र में एक एक मनु 14 मनु आते हैं और वो पूरा राज्य करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी इनसिग्निफिकेंट, हमारी स्थिति कितनी है? इनसिग्निफिकेंट। तो जैसे जैसे हम ऊपर लोगों में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। देवलोक में क्या है, मतलब स्वर्गलोक में क्या है, हम सबको पता है देवउठनी एकादशी आती है और एक देवशयनी एकादशी आती है, तो साल में एक बार आती है। तो वहां पर जब देवता सोते हैं तो देवशयनी एकादशी आती है, तो 6 महीने में 12 घंटे यहाँ के 6 महीने वहां के 12 घंटे है, और 6 महीने उनके दिन के 12 घंटे। तो इस तरह से 6 महीनों का ये जो टाइम है, मतलब एक साल का टाइम हमारा, उनका एक दिन का टाइम है। तो इस तरह जैसे जैसे और ऊपर लोगों में जाते जाएंगे टाइम और एक्सपेंड हो जाएगा, हम और नन्हे नजर आते जाएंगे, है ना, हमारा टाइम उतना ही ऐसे दिखता जाएगा। और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे टाइम और एक्सपेंड होता जाएगा। और जितने भी नीचे लोकल लोग हैं अतल वितल, उनके तो इसी तरह से टाइम, तो वहां लग्जरीज तो है, मटेरियल लग्जरीज की कमी नहीं है, मगर वहां भक्ति करने का तपस्या करने का कोई चांस नहीं है। अब आप देखिए, वैसे ऊपर वाले लोगों में भी ज्यादा भक्ति करने का चांस नहीं होता, तब लोग में सब तपस्या कर रहे हैं। अब स्वर्ग लोगों में आप देखिए जैसे अग्निदेव, अब उनको भक्ति करने का कहां चांस मिलता होगा, वो तो यहां पर किसी ने लाइटर चलाया टक वहां उनको प्रकट होना पड़ता है, वहां उन्होंने माचिस चलाया किसी टक फिर प्रकट होना पड़ता है, किसी ने अपना चूल्हा जलाने के लिए किया टक, 24 घंटे उनको इधर से उधर दौड़ लगानी पड़ती है, नहीं हर जगह उनको प्रकट रहना पड़ता है। बस किसी ने अग्नि की 2 चीजों को यूं करके कर दिया, हो गया अग्निदेव को प्रकट होना ही पड़ेगा, उनकी ड्यूटी है। ऐसे वायुदेव कहीं पर भी ज्यादा हो जाए और कम हो जाए तो हम हाहाकार मचाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बैलेंस रखनी पड़ती है। हल्की सी वायु तेज हो जाए कहीं पर, हर किसी भी 10% भी कम, तूफान हो गए, ओहो मर गए, सुनामी आ गई, मगर वायु देखो बिल्कुल बैलेंस बना के रखना पड़ता है हर चीज का, ताकि हम सब प्राणी ठीक से रह पाए। तो आप देखिए जो देवता है वो सारे के सारे कितनी ड्यूटीबद्ध है, और उनके पास सूर्यदेव एक क्षण भी रुकते हैं, उनके सूर्यदेव का रथ एक क्षण भी रुकता है, बिल्कुल नियत समय पर नियत जगह पर आएगा ही आएगा, और नियत समय पर नियत जगह पर जाएगा ही जाएगा, और वो रथ चलता रहता है। आप किसी भी देवी देवता की आप देख लीजिए, ड्यूटीज इतनी सारी है, उनके डिपार्टमेंट इतने सारे हैं कि बंधे हुए हो। तो ये है हमारा मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद कह रहे थे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डेड एंड डार्क। इस भौतिक संसार में सब कुछ कैसा है? मृत और अंधकार में। अब लोग कहां है मृत, हम तो सब जीवित हैं, तो हम तो आत्मा है ना, हम तो इधर के हैं ही ना। तो अगर ये
कैसे क्या बचेगा, मृत डेड एंड डार्क, सूर्य खत्म, सूर्य गए तो हमारे यहां पर क्या दिखता है, डार्क। लाइटें चल रही है तो सन दिख रहा है, नहीं चल रही है तो डार्क। ये मतलब ओरिजिनल पोजीशन क्या है, डार्क डेड एंड डार्क। मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो वैकुंठ है उनका पोजीशन बिल्कुल उल्टा है, क्या है डेड की जगह वहां पे क्या है लाइव, वहां वहां मिट्टी का कण भी क्या है जीवंत है, वो भी सोच सकता है, वो भी सेवा में लगा हुआ है, वो भी देखता है कब मेरे ऊपर कृष्ण के पांव पड़े तो मैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाऊं ताकि उनके पांव मैं कहीं चुभू ना, है ना। तो वहां पर मिट्टी से लेकर पौधे से लेकर पक्षी तक कुछ भी सब कुछ क्या है लाइव इटर्नल। यहां पे क्या सब चीजें है टेम्पररी, है ना, वहां पे क्या है इटर्नल। तो वहां पर क्या है लाइट इफल्जेंट, भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि वहां पर किसी सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती। ना तदभाषित सूर्य न शशांक न पावका तद गतवान अनिवर्तन्ते तद धामा परमहंसा। वहां पर सूरज और चंद्रमा की जरूरत नहीं लाइट के लिए, वहां तो हमेशा लाइट रहती है। इसका मतलब भगवान के वहां पर रात नहीं होती, नहीं, जब भगवान को लीला करनी होती है तो भगवान भी करते हैं अपनी इच्छा से वो लाइट कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो सबको लगते हो रात हो गई। मगर वहां पर क्या होता है, वहां पर भगवान की इच्छा से वो दिन और रात, वहां पर सूर्य के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर सूर्य है ही। वहां तो भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा था, जो भगवान की लीला करनी होती सोने की तो भगवान क्या करते हैं अपनी लाइट कम कर देते हैं, है ना। और जब भगवान को उठने की लीला करनी होती है तो लाइट आ जाती है। तो वहां पे क्या है हमेशा लाइट एंड लाइट, यहाँ पे क्या है डेड एंड डार्क। मगर इन दोनों स्थितियों के बीच में भी बहुत कुछ है, इस भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच में भी कुछ है। इस भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार से जब इस भौतिक संसार से हम उठे ऊपर उठे तो ये तो हुआ हमारा एक यूनिवर्स, एक और ऐसे कितने यूनिवर्स है अनगिनत असंख्य। और हर यूनिवर्स की यहां पर आप देखिए यहां पे दिख रहे हैं वो कर्मों दर्शाए विष्णु, ये कर्मों दर्शाए विष्णु कर्म सागर में लेटे हुए उनके शरीर से जैसे ही वो सांस छोड़ रहे हैं तो बहुत सारे महत्त्व निकल रहे हैं जिनके अंदर उनकी ग्लास पड़ती है तो वो यूनिवर्स के फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और कितने यूनिवर्स है असंख्य, असंख्य बोलना बड़ा आसान है मगर जब इनफाइनाइट को इमेजिन करने लगेंगे तो समझ में आएगा कि बाबा रे इतना। और वहां पर कर्मदर्शाई विष्णु हर यूनिवर्स में बैठे होते हैं गर्भोदर्शाई विष्णु। तो गर्भोदर्शाय विष्णु अनंत शेष के ऊपर विश्राम कर रहे थे जो हमेशा हम देखते हैं लक्ष्मी जी उनके चरण दिवाली है, तो वो गर्भोदर्शाय विष्णु। और गर्भोदर्शाय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है जिसके ऊपर कौन बैठे हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब इसका मतलब अगर अनंत ब्रह्मांड है तो क्या ब्रह्मा जी भी अनंत है, हाँ। हमारे वाले ब्रह्मा जी कितने हैं, कितने मुखी है, चार मुखी। मगर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं जो सहस्त्र मुखी भी है, द्विमुखी भी है, जिनके 100 मुख है, 50 मुख है, ऐसे भी है। तो हमारा वाला यूनिवर्स वन ऑफ द स्मॉल यूनिवर्स है, इसलिए हमारे ब्रह्मा जी को सिर्फ चार ही मुख की जरूरत है। मगर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं जिनके हजार हजार सिर भी होते हैं। तो एक बार हमारे ब्रह्मा जी को घमंड हो गया, मैं सृष्टिकर्ता, तो ब्रह्मा जी को जब ऐसे से दो कथाएं आती हैं अलग अलग, तो एक जब भगवान के उन्होंने ग्वाल बाल चलाए थे
और एक द्वारका में भी आती है कथा। तो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी को हो गया था कि भी मैंने ही सब कुछ क्रिएट किया है, मेरे से बड़ा तो कुछ है ही नहीं इस यूनिवर्स में। तो उनको बताया कि भगवान द्वारका में है। अब देखिए ब्रह्मा जी जैसे जिनके चार मुख चार वेद हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, और हम जीव जिनकी कोई बुद्धि की कोई परसेंटेज है ही नहीं वो सोचते कि हम भगवान को जान गए। अरे हमें पता है कृष्ण कौन है, हमें सब कुछ पता है, ये तो प्रभुपाद की असीम 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 कृपा है कि हमें पता चलिए भगवान कौन है। नहीं तो वेदों के अंदर लोग सिर पटकते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, इतने इतने वेदांत सूत्र इतने इतने ग्रंथ पढ़ते रहते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि भगवान कौन है। और प्रभुपाद ने हमारे को सिंपल सी बड़ी मीठी सी कुकी बनाकर हमारे मुंह में डाल लिया बेटा खा ले, और ये समझ जाए कृष्ण ही भगवान है, और हम समझ गए। नहीं तो ये कोई आसान बात नहीं जानना कि कृष्ण ही भगवान है। तो जब बड़े बड़े देवी देवता और ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी मिलने गए तो द्वारपाल ने रोका, तो ब्रह्मा जी ने बोला जाओ बताइए कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान ने देखा है तो अहंकार हो गया लेते हैं, तो भगवान ने द्वारपाल से बोला कौन से वाले ब्रह्मा। तो बोले जी कौन से वाले ब्रह्मा का क्या मतलब होता है ब्रह्मा। तो मैंने शायद मैंने ना कुछ गड़बड़ की, तभी पूछ रहे हैं कौन से वाले ब्रह्मा। बोले जो चार कुमार के पिता है ना वो वाले ब्रह्मा। तो वो गए चार कुमार आने दो, अंदर गए, और जैसे अंदर गए ब्रह्मा जी उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं हाथियों के बीच में चीटी आ गया, क्योंकि वहां पे सारे ब्रह्मा आए गए थे, कोई सहस्र मुख वाला, कोई सौ मुख वाला, कोई पचास मुख वाला। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा जैसे हाथियों के बीच में चीटी घुसाई है, मतलब छोटा सा कोई क्रीचर आ गया। तो ब्रह्मा जी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। तो ब्रह्मा जी कितने इन्फिनिट। तो ये तो हुआ हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड। अब भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उससे बनता है ब्रह्म, उसको हम ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं। तो वो क्या है ब्रह्म ज्योति, क्या है भगवान से शरीर से निकला हुआ प्रकाश। आपको दिख रहा है यहां पर ये इस भौतिक संसार और इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब आध्यात्मिक संसार के बीच में जो भगवान के वैकुंठ लोकों से भगवान के शरीर से जो दिव्य आभा निकलती है इसको क्या कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ये यहां पर है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों है, जिसके एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है कैलाश, जहां पर शिव जी रहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, भगवान ने अपना ही एक्सपेंशन शिव के रूप में बनाया ताकि पूरा भौतिक वर्ल्ड। शिव जी क्या है, अब देखो अर्ध नारीश्वर के जो फोटोग्राफ होते हैं उसमें क्या होते हैं, आदि शिव आदि दुर्गा। तो ये मटेरियल वर्ल्ड और भौतिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन है जिसको शिव कहा जाता है, शिव तत्व कहा जाता है। तो ये शिव तत्व आदि शिव यहाँ कैलाश पर विराजमान, वाला कैलाश नहीं जो हमारी पृथ्वी पर है, यहाँ जो पृथ्वी पर कैलाश है वो इस कैलाश का प्रतिबिंब है। जैसे यहाँ का जो वृंदावन है वो इस गोलोक वृंदावन की जहां पर छाया पड़ती है वो है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी का जो कैलाश है जहां पे इस कैलाश की छाया पड़ती है वो वाला कैलाश है। तो ये हो गया कैलाश। तो ब्रह्म भागवत में कहा गया जब नारद जी पहुंचे शिव जी के पास कि आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, और जब उनके पीछे बहुत सुंदर संवाद है कि कैसे नारद जी शिव जी की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं
और शिव जी लगातार ये बता रहे कि देखो मैं कितना तमोगुणी हूँ, तभी भगवान ने मुझे तमोगुण को संभालने की सेवा दी गई है। तो वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शिव जी कहते हैं, बहुत सुंदर सवाल है, कभी किसी चांस में तो सुनाऊंगी। और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे शिव जी कि मैं किसी भी शिव भक्त को यहाँ कैलाश पे नहीं आने देता, मैं किसी भी शिव भक्त को यहाँ कैलाश पे नहीं आने देता, क्योंकि वो शिव भक्त मुझे भगवान मान के मेरी पूजा शुरू कर देता है और मेरी सेवा में मुझे तंग करना होता है। मैं सिर्फ यहां पर उनको आने देता हूं जो ये समझते हैं कि मैं भगवान का दास हूं और मैं भगवान की सेवा में लगा हूं। तो अगर वो मेरे अंदर मेरी सेवा करना चाहते, ये जान करके मैं भगवान का दास हूं, सिर्फ वही इस सदाशिव के पास आ पाते हैं। और जो हर यूनिवर्स के अंदर जो शिव जी जाते हैं, तो इन्हीं सदाशिव की 11 रुद्र एक्सपेंशन है, वो अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग तरीके से जाते हैं। तो इस तरह से सदाशिव कहते हैं, यहां पर जो रहते हैं सदाशिव कहते हैं, सदाशिव कहते हैं कि यहां पर कैलाश में सिर्फ वही आ पाता है जो मेरी सेवा करता है, ये जानकर कि मैं भगवान का सेवक हूं। क्योंकि अगर सपोज करिए कि अगर आप कहीं जाते हैं और आप अच्छे भक्त हनुमान जी के सपोज के पीछे पड़ जाए कि हाँ जी मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूं, तो हनुमान जी का प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या चाहिए, ये जानकर कि हनुमान जी राम भक्त हैं, तो उनके सेवा में सहायक बनेगा फिर। तो अब बोले नहीं हनुमान ही भगवान है, तो क्या करेगा वो, सारा दिन उन्हीं की सेवा में अड़चन बनता रहेगा। ऐसे किसी भी हनुमान भक्त को हनुमान जी अपने पास पटाखे भी देते हैं, उनकी मटेरियल डिजायर्स पूरी करके उनको भगा देते हैं। तो ये है हमारा। अब जब हम कहते हैं, जैसे कई सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं ब्रह्म ज्योति सब कुछ है, या बोलते हैं कि भाई जैसे ब्रह्म कुमारी वगैरह बोलते हैं ना, एक शिव जी है उनसे प्रकाश निकल रहा है, तो क्या ये गलत है? आंसर इज ये लोग इनकम्प्लीट है। तो अगर कोई यहां से इस प्रोस्पेक्टिव से ध्यान से देखे, इस नीचे के प्रोस्पेक्टिव से देखे, तो उसे क्या दिखाई देगा कि सदाशिव है और उनमें से क्या निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। कुछ लोग तो ब्रह्म ज्योति पे टक जाते हैं, कुछ इस सदाशिव पे टक जाते हैं, उसके वजह से उनमें से प्रकाश निकल रहा है, बस यहीं तक ही जान पाते हैं। और भगवान के चिन्मय लोग हैं, वैकुंठ लोग हैं, उनको जान ही नहीं पाते, तो उनकी नॉलेज कैसी है, इनकम्प्लीट। वो सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव देखते हैं बस, उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो जैसे हम सबने कथा सुनी होगी किसी एक बार, एक रेलगाड़ी की कथा सुनी है सभी ने, कि एक गांव में रेलगाड़ी किसी ने देखी नहीं थी, सुनी नहीं आपने? तो एक गांव में कभी रेलगाड़ी देखी नहीं थी किसी ने, क्या होती है रेलगाड़ी, बहुत पुराने समय की बात है। तो पता चला कि साथ वाले गांव में रेलगाड़ी आने वाली है, अब सब क्यूरियस थे कि रेलगाड़ी होती क्या चीज है, तो उन्होंने अपने दो तीन लड़के भगाए, जाओ साथ वाले गांव में देख के आओ कि रेलगाड़ी होती क्या चीज है, पहाड़ी इलाका था। तो एक बच्चे ने, उनमें से एक बच्चे ने देखा कि दूर से रोशनी आ रही है, बोले सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, भागा गया, रेलगाड़ी ना रोशनी होती है। दूसरा थोड़ा सा रुका, उसे देखा कीड़ा जैसा चलता आ रहा बड़ा सा, और उसके मुंह में रोशनी है, बोला अब तो देख ली मैंने, भागा। क्या बोला, ये तो रेलगाड़ी का कीड़ा होता है बहुत बड़ा सा, और जो कि जिसके मुंह में रोशनी होती है। तीसरा रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा, देखा छुप छुप करके स्टेशन पे आई, लोग उतरे फिर चढ़े और फिर छुप 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 करके चली। उसे जाके बताया कि रेलगाड़ी एक वाहन है जिसमें लोग आते और जाते हैं, लंबे आकार की है और उसके मुंह पे रोशनी भी है। कौन गलत था? कोई भी गलत नहीं था, मगर सिर्फ क्या है, उनकी नॉलेज इनकम्प्लीट थी। पहले वाले ने जिसने बताया कि रोशनी है सिर्फ रेलगाड़ी, उसे झूठ नहीं बोला,
वह क्या बोला, उसने इनकम्प्लीट नॉलेज थी, उसको सिर्फ रोशनी दिखाई दी और भाग लिया। और किसने बोला एक बहुत बड़े कीड़े की तरह है जिसके ऊपर रोशनी है, झूठ तो उसने भी नहीं बोला, मगर उसकी नॉलेज इनकम्प्लीट है। बिल्कुल वैसे ही ये जो लोग हैं सब क्या है, इनकी नॉलेज इनकम्प्लीट होती है। भगवान को तीन तरह से जाना जा सकता है, क्या भ्रम ने थी, परमात्मा थी, भगवान ने थी। तो वह सिर्फ भ्रम पर रुक जाते हैं या परमात्मा तक रुक जाते हैं, मगर भगवान का जो गुण है उसको नहीं जान पाते। इसीलिए ये भगवान का जो ज्ञान है, ये जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, ये प्लैनेटरी सिस्टम्स क्या है, ये भी एक तरह से जो ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी ने बताया है उसके हिसाब से कुछ डिजाइन किया हुआ है, कुछ ड्रॉइंग किया हुआ है, पर ये भी कंप्लीट नहीं है। हमारे से मूड बंदी के समझने के लिए चलो ठीक है कि हम कुछ 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 समझ गए, एटलीस्ट हमारे एक इमेजिनेबल पोजिशन पे आ गए, चलो भी ठीक है, हम लोग जानने के ऊपर आध्यात्मिक जगत है। और कहते हैं आध्यात्मिक जगत इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि भौतिक जगत वहां पर सिर्फ बादल के धब्बे के समान दिखाई देते हैं, काले बादल की तरह दिखता है, वहां पर काले बादल की तरह पूरा भौतिक संसार, अनगिनत ब्रह्मांड वहां पर बादल की तरह दिखाई देते हैं, एक बादल नहीं, अलग 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 छोटा सा वो भी, और उसके अंदर एक बादल के अंदर हम, उसके अंदर एक छोटी सी, कितना जब हम एक यूनिवर्स में कभी कभी देखते हैं कितने तारे, कितने असंख्य तारे, कितने असंख्य प्लैनेट्स होते हैं, उसके अंदर हम एक धरती पर, उसमें छोटी सी इंडिया पर, उसमें छोटे से ब्रज में एक छोटी सी है ना बीजीएस की छोटी धरती पर यह हम घूम रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, मैं बहुत ज्ञान हूं, है ना। तो ये क्या है, इल्यूजन, ये क्या है, भ्रम। तो इसकी वजह से हम आज भी यहां हैं। तो ये हमारे को इल्यूजन रहता है कि हम ज्ञानी हैं, हमें तो बहुत कुछ आता है। तो ये अगर वापस 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 जाके देखें तो फिर भगवान के जगह देखें तो सब लोग बोलते हैं कि वहां पर कितने लोग होंगे, तो जब वहां पर सारा ब्रह्मांड मिलकर, सारा सारा ये मटेरियल जगत मिलकर सिर्फ क्या है, छोटा सा 3/4 1/4 का रेशियो, वैसे सब कहते हैं, ऐसे किसी ने मेजर नहीं किया, मगर फिर भी एक अंदाजा है, चलो ठीक है 3 गुना ज्यादा बड़ा है, मगर एक होता ना आइडिया, जैसे हम कहते ना कि जो आत्मा है वो 1 बाल का अगर भाग 1/10,000 होती है, वह एक्चुअली आत्मा तो स्पिरिचुअल है, उसका कोई मटेरियल साइज तो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, पर फिर भी हम जैसे मूड लोगों को समझने के लिए आइडिया दिया गया, देखो उनका साइज इतना है, एक अगर भाग को 100 पार्ट में डिवाइड करें, फिर एक भाग निकालिए उसको 100 पार्ट में डिवाइड करें, तब जाके तुम्हारा साइज पता चलेगा तुम्हें। बट एक्चुअली आत्मा उस 1/10,000 पे भी नहीं आएगा। आप बोलोगे इतना तो माइक्रोस्कोप बना लेते हैं तो आत्मा दिख जाएगी, तो वो भी दिखाई देगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, वो मटीरियल नहीं है जिसको आप देख सके, वो स्पिरिचुअल है। तो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है, आध्यात्मिक जगत, इसमें भगवान के अनंत अनंत रूप वहां पर ऑलरेडी है। अनंत रूप भगवान के सिर्फ 10 अवतार होते हैं तो बोलते 24 अवतार होते हैं टोटल मिलाकर, तो नहीं, भगवान के अनंत रूप है, भगवान के अनंत एक्सपेंशन है, जैसे यहाँ पे अनंत यूनिवर्स है वहां पर अनंत एक्सपेंशन है। तो फिर हमें क्यों 10 पता है या 24 पता है, क्योंकि देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सपोज करिए कि अगर यहाँ पे बीजेएस में आज कोई पाइप फट जाए पानी का, तब किसको कॉल करेंगे, अभी तब सब चीजों की शुभम लोगों को कॉल करते हैं वैसे किसको कॉल करेंगे, प्लम्बर को बुलाएंगे, और बिजली टूट जाए तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, है ना। बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी पे या इस भौतिक जगत में जैसी समस्या आई हुई होती है, उस पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करने के लिए भगवान कोई अवतार नीचे आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वापस अपने जगत में चला जाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कोई अवतार लेते हैं, नए नए उनके अवतार हो रहे हैं. भगवान में अनंत एक्सपेंशन ऑलरेडी है. He just comes, solve the problem, and then he just go away. या वो भगवान सिर्फ एक्चुअल रीजन तो सिर्फ इतना होता है उनके आने का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भगवान के लिए. अगर ध्यान से समझाया जाए तो भगवान की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कोई बड़ी चीज नहीं है. हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान का आना तो बहुत जरूरी था. उन्होंने कितने वरदान ले रखे थे हिरण्यकश्यप ने, उसको मारने के लिए भगवान की एक सिंपल सा करुणा बोल था, है ना. वो सारे उसकी अप एंड डाउन सारी उसकी चीजें सॉल्व हो जाती उसी के अंदर. मगर भगवान नरसिंह देव स्वयं खुद क्यों आए? ताकि प्रहलाद को दर्शन दे सके और उनकी ग्लोरी हम सब गा गा के शुद्ध हो सके, है ना. हम उनका रूप देख सके कैसे है भगवान. नहीं तो भगवान को हम इमेजिन ही करते रह जाते कि भगवान कैसे होते हैं. तो जैसा उनका रूप दिखा पर शास्त्र में और हमने सुना, हमने भी कुछ अपने हिसाब से समझ में आ गया, अच्छा अच्छा भगवान ऐसे होते हैं. तो हम उनके आरती कर पाते हैं, हम उनको देख पाते हैं, हम उनसे प्रार्थना कर पाते हैं. नहीं तो हम उनके हम तो सिर्फ ये सोचते हैं हरिहर सिंह देव होते हैं. अगर मैं बता भी देता हूँ बट हम उनको मतलब समझ ही नहीं पाते उनका फॉर्म कैसा है. तो इस तरह से भगवान किसी भी पर्पस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली नहीं आते हैं, बट फिर भी चलो भगवान ने दर्शन देने हैं, चलो आए तो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करके चले गए. वैसा लगता जैसे हम हो ना, चलो गए थे किसी और काम से, दो चार काम और निपटाए छोटे मोटे. तो वैसे वैसे भगवान इस तरह से भौतिक जगत में आते हैं और चले जाते हैं. और भगवान अपनी स्टोरी भी हमेशा ऐसे बनाते हैं, होता ना पर्दा उठाना और पर्दा गिराना भी ऐसे बनाते हैं कि जो बेवकूफ है, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, इंटरेस्ट है उनके पास आने और जाने के लिए, उनके पास कोई स्टोरी हो कि हाँ उन्होंने शरीर त्याग दिया, वो तो सरयू में चले गए, है ना, ये हो गया वो हो गया. इस तरह से किसके लिए स्टोरी बनाई जाती है? जो भगवान को नहीं मानते, मायावादी हैं, जो बस सिर्फ वही चाहते हैं हाँ भाई ठीक है हमने ब्रह्म समझ लिया, ब्रह्म ज्योति में समझ लिया, तो बस उसके बाद हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है हो गया, हाँ वी नो गॉड. तो फिर उनके लिए क्या बनाते हैं भगवान? अपने आने और जाने की स्टोरी बना देते हैं ताकि उनको खुशी रहे कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारे को इससे जानने की जरूरत आगे है भी नहीं. भगवान कहते हैं बस ठीक है और जानने की जरूरत भी नहीं है, तुम इसी में खुश रहो. यू वॉन्ट टू गो टू ब्रह्म ज्योति, नो प्रॉब्लम, गो टू ब्रह्म ज्योति, राइट. तो दैट इज वाई वो क्या करते हैं, नाटक रचते हैं जिसका दिखाते हैं ऐसे. अदरवाइज भगवान कभी आना, बर्थ और डेथ नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, अजन्मा, आदि अजन्मा अनंत रूपम.